या तो वो किसी एक जगह पे सिमट कर रह जाते हैं। तो इसी वैक्यूम प्लेस को खत्म करने के लिए हम हिमाचल में 5 और 6 वेब सीरीज शूट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम मौका देंगे हिमाचल के यूथ को और हिमाचल के टैलेंट को कि वो इसमें प्रेजेंट करें। ना सिर्फ इन्हीं वेब सीरीज में बल्कि इन फ्यूचर फिल्म मेकिंग में सभी अपना करियर बना सके, उसके लिए भी हम सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे। आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर कैलाश चांदना, जो कि फैशन डिजाइनर है, 40 ईयर से वो फैशन इंडस्ट्री में है, डायरेक्टर है और ब्रिज कला फैशन फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के फाउंडर है। इसके साथ साथ हमारे बीच मौजूद है रुद्रम डांस ग्रुप के फाउंडर, जो कि कोरियोग्राफर है, मिस्टर रजत जी, और उनके साथ उनकी टीम मेंबर मिस चेतना हमारे बीच मौजूद है। तो मैं सबसे पहले मिस्टर कैलाश चांदना जी से जानना चाहूंगी कि किस तरीके से मूवी शूट होने वाली है, किस तरीके से लोगों को चांस मिलेगा इसमें काम करने का, और आगे हम किस तरीके से इसमें काम करने वाले हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन है। एक्चुअली ये सच है कि हिमाचल में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और हमने जो महसूस किया पिछले 40 ईयर्स की जर्नी में, बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से सभी लोग तो मुंबई जा नहीं सकते हैं, चंडीगढ़ जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में कई लोग अपनी सब खासियतें होने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसको अपने प्रोफेशन में डालने के लिए या अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए उसको आगे ले जाने के लिए। चांस की बात है कि हमारे यहाँ पे आना हुआ और हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों में हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 जगह लैंड भी ली हुई है, उसकी कार्रवाई चल रही है, फिल्म सिटी के लिए और एक एजुकेशन सेंटर के लिए। तो जब तक वो चीज़ बन रही है, हम लोगों ने ये महसूस किया कि सोलन हिमाचल का एक बेस्ट प्लेस है, जहाँ पर यूथ भी है और नई एनर्जी है यहाँ पर, तो एक तरह से चंडीगढ़ के नज़दीक भी है, ताकि जो यहाँ पर किसी भी तरह के कल्चर को फ्लोरिश करने का, किसी भी तरह के यूथ के टैलेंट को इस्तेमाल करने का, कि वो इसको चंडीगढ़ मतलब पंजाब इंडस्ट्री या मुंबई भी जाकर निखारना चाहे तो निखार सकता है, उसको सारी फैसिलिटी हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। पिछले 1 साल से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सफलता भी मिली है, और इसमें कुछ सफलताएं ऐसी भी हैं कि जैसे अभी हमारे बीच में रजत जी हैं, कई सिंगर्स हैं बड़े अच्छे नाम के हैं, जिनका भी नाम तो मैं नहीं देना चाहता, लेकिन एक जोश आया हुआ है हमारे में कि हम सब मिलकर हिमाचल के टैलेंट्स को यहीं पर काम दें, उनकी इस तरह से तैयारी करवा दें कि वो यहाँ से जाकर बाहर के प्रदेशों में भी काम कर सकें। मेन उद्देश्य है कि वो इसको एक प्रोफेशन के तौर पर अपनाने को तैयार हो जाए, क्योंकि जो टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वेस्ट है, और इतनी सारी नौकरियां लेना, संभावना पैदा करना भी वो सिर्फ सरकार के बस में तो है नहीं, हर एक के पास अपने लिमिट्स हैं। तो जो क्षेत्र आप सब जन के लिए, टैलेंटेड लोगों के लिए बंद है, भाई बंद का मतलब बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम यहाँ पर ही हिमाचल के अंदर रहकर ही उन टैलेंट को काम देने की आगे की योजनाएं बना रहे हैं। जी मिस्टर, सबसे पहले तो सभी गेस्टों को मेरा प्रणाम एंड माय सेल्फ रजत। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 5 सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसपे हमारा जो टारगेट रहेगा कि जो हिमाचल के जितने भी टैलेंटेड कलाकार हैं, जो भी हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं और अपना मॉडल्स हैं जो फैशन में रुचि रखते हैं वो है, और भी हमारी कई चीज़ें हैं जिसको लेके हम प्रेजेंट करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे हिमाचल से लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि देखा जाए तो हिमाचल अभी, हम एक खुद आर्टिस्ट हैं तो हमारे को पता है कि हिमाचल अभी बहुत पीछे है इन चीज़ों में। अभी तक जैसे बॉलीवुड है और अपना टॉलीवुड है, पंजाब इंडस्ट्री है जो कि बहुत आगे निकल चुकी है इस टाइम, चाहे वो सॉन्ग्स हैं, मूवीज हैं, हरियाणा की जो हरियाणा इंडस्ट्री है वो भी बहुत आगे ग्रो कर रही है, पर जो हमारे हिमाचल की इंडस्ट्री है अभी तक उसका कहीं, अगर मैं बोलूँ इंडिया में तो छोटा सा नाम है कि कहीं भी नहीं है, समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने नाम को, हिमाचल को इतना आगे लेके जाएं कि हिमाचल में भी मूवीज बने, एंड जो हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे नाम पे हैं उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे, और जो नए कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कईयों को फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों को बहुत चीज़ें होती हैं, पर हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ जुड़े और हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देंगे एंड अपने साथ वर्क भी करवाएंगे और आगे लेके जाएंगे। जी ऑडिशन हो रहे हैं, कहाँ होंगे, कब होंगे और किस तरह से होंगे? जो सर ऑडिशंस हैं हमारे सोलन में होंगे, जिसकी हमारी दो दो जगह होंगे, जिसमें
इसमें 26 तारीख को हमारी जो ऑडिशन होंगे वो ब्रिज क्लब में होंगे जो अपना पैरो वन के पास है, और एक ऑडिशन हमारा 5 तारीख को होगा जो अपना रुद्रम डांस स्टूडियो चंबा में होगा। एक धर्मशाला में भी हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो उसकी डेट्स अभी हम करेंगे। 28 से 5 तारीख का एक टूर है, उसी टूर के बीच में इनका वहाँ पे ऑडिशन का प्रोग्राम है। इसके अलावा शिमला और नज़दीक के वहाँ से शिमला तो है हो गई होगा शिमला में, क्योंकि हमारे को हिमाचल कवर करना है, तो एक कदम आगे बढ़ने के बाद में उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो 4 ऑडिशन के बाद ही हम आगे का डिसाइड करेंगे। चार्जेस क्या रहेंगे ऑडिशन की कंडीशन क्या रहेगी? किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं, एंट्री वैसा फ्री रहेगी। बट इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो वाकई लड़ना चाहते हैं। हमें लगेगा कि वो इस काम को प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं, मजे के लिए या टाइम पास के लिए कोई आएंगे तो उनको हम सॉरी बोल सकते हैं। एज लिमिट भी रखी है इसमें कुछ? और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें कोई फिल्म बनाते तो हर तरह के करेक्टर हर एज ग्रुप के लोग चाहिए होते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एज ग्रुप का अपना एक रोल आता है फिल्म में, ऐसे में करो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हमारे को अपनी जो हमारी 5 सीरीज हैं उसमें चाहिए ही है। तो हम चाहते हैं कि जो भी दिल से चाहता है कि मैं कर सकता हूँ तो हम उनको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। ये जो सीरीज आ रही है आपकी किस चीज़ के ऊपर है? ये जो सीरीज है सर ये हमारे आर्टिस्ट के ऊपर ही है, जैसे एक डांसर है उसकी लाइफ में क्या क्या रहता है, और एक सिंगर है उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं क्या क्या है वो सब कुछ लेके, एंड जो फैशन को लेके है वो मॉडल्स पे भी है, एंड एक स्टूडेंट्स पे है कि स्टूडेंट्स लाइफ कैसी होती है, वो कैसे स्कूल से पढ़ते हैं कॉलेज में जाते हैं कॉलेज से कैसे आगे, एक एक्सपीरियंस। एक तरह से ये मान के चले कि कुछ प्रोफेशन को सिर्फ नेगेटिव पक्ष दिखाया गया है, नेगेटिव पक्ष दिखाने की वजह से उनको इतना बुरा माना गया कि लोग उसमें एंट्री ही नहीं करना चाहते, जबकि सच ये है कि हर प्रोफेशन के अंदर में अच्छी और बुरी दोनों पक्ष होते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसका अच्छे पक्ष दिखाएं कि काम करने के तरीके में क्या रहते हैं, उसमें जो नेगेटिव बातें बताई गई हैं उसका कितना रोल है, तो काम करने की प्रक्रिया है उसको दिखाने का उद्देश्य है ताकि लोग सब जाने और इस तरह भी प्रभावित हो जाए। पिछले एक साल से लगभग आप ब्रिज कला जो संस्थान है चला रहे हैं, क्या लगता है यहाँ के जो लोग हैं यहाँ का युवा है वो मूवी जगत की ओर जाना चाह रहा है? देखिए अगर हम पर्सनल लेवल बात करते हैं तो हर कोई जाने की इच्छा रखता ही है, एक संभावना आती है कि मेरे को पर्दे पर या लोगों की नजरों में आना ही, लेकिन यहाँ पर लोगों को अपना भविष्य नजर नहीं आता कि फिल्म लाइन में जाके करेंगे क्या। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है, रास्ते में रुकावट है, वही दूर करने के लिए हम मूवीज यहाँ बना रहे हैं कि उनके पास प्रोफेशन में जाने के लिए यहीं पर चीज़ें उपलब्ध हैं, उनको काम मिलने की संभावनाएं उपलब्ध हैं, बस उनके मन में जो डर बना हुआ है कि हम उसको सीखे करेंगे क्या, हम एक या दो स्टेप का काम हम ही दे सकते हैं उनको, जब हम की उनकी एजुकेशन हम फ्री में देने वाले हैं, ऐसे भी नहीं उनको चार्ज कर रहे हैं, तो जब किसी चीज़ में लॉस है ही नहीं सीखने में क्या। हिमाचल के लोगों की मानसिकता है सोच ऐसी है, अभी हम कह सकते हैं कितना आगे नहीं बढ़ा है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि जो ये मूवी जगत यदि यहाँ पे आता है तो हमारे कल्चर से छेड़छाड़ होगी? जी तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत लंबे हो गए हैं, इसमें से मैं कल्चर को ही मानता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कल्चर है क्या, किस कल्चर को आप कल्चर मानते हैं, क्या एजुकेशन में आप नई कल्चर की रुकावट समझते हैं? आप किसी भी जगह का नाम ले लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, क्या वहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता, क्या वहाँ पे बॉय और गर्ल की जो खतरे हैं क्या वो वहाँ पे शामिल नहीं है क्या? जब कल्चर की डेफिनेशन को हम लोग सिद्धांत में शामिल लेकर आएंगे तो मैं उसके ऊपर जवाब देना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। कल्चर बेसिकली लोगों के, लेकिन वो क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खराब हो रही है तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो एजुकेशन में भी खराब हो रही है, धर्म की चीज़ में बहुत कुछ देखते हैं, धार्मिक चीज़ों के बारे में सुनते ही बहुत कुछ, तो कल्चर को बचाना एक समस्या है हमारी, लेकिन उसके कारण हम नहीं हैं, सोच है जो मैंने बताया, यही सोच हमें बदलनी है कि जो पक्ष दिखाया जा रहा है वो सिर्फ नेगेटिव दिखाया जा रहा है किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री गलत नहीं हो जाती है। तो मतलब आपका कहना है कि एक ड्रग्स हो गया ये रीज़न है, दूसरा रीज़न कोई और हो गया क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो साथ ही साथ जो ये मूवी इंडस्ट्री यदि यहाँ पे आती है तो ये भी तो एक वन ऑफ द रीजन है। जी बिल्कुल होगा, लेकिन आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री तो अपने आप पहुँच गई इंटरनेट के द्वारा,
बच्चे के पास पहुंची हुई है, यहाँ पर काम करेंगे तो वो गलत फहमी तो दूर हो सकती है। हम जो मूवी के अंदर सबसे एक और बात बात करते हैं, प्रोजेक्ट ये है, एक एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर है, डांस परफॉर्मर है, क्या इस इंडस्ट्री को उसी पर चलाना चाहता है? बराबर मान लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं, इनके कार्यविधि को आप देखेंगे तो ये अपने पूरे टीम को परिवार की तरह संभाल के चलते हैं। अगर आप ये पक्ष देखेंगे तो वो पक्ष स्टेज पर नजर आता है, वो पक्ष जो मीडिया में नजर आता है वैसा पक्ष आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। तो सच इनका भी तो है ना एक पक्ष, वो पक्ष दिखाना चाहते हैं। सोच कैसे है आप इस बैग से? जी सोच में यहाँ के कुछ बड़े जनों का बड़ा हाथ है, हमारे साथ में सनातन धर्म सभा है, शिवरंजन के संस्थापक, हमारे पास शूलिनी मंदिर है, उनके ट्रस्टी, इस तरह के कई और बड़े जन। अगर हम संगीत की बात करें तो के एल सहगल जी हैं, जिनको भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो ऐसे बहुत सारे जन हैं जिनके साथ लगातार संपर्क में हैं, हमारे पास विजिट भी होता है उनका। तो उनके विचार से हमें जोश आता है कि हमारे को इस तरह की चीज़ों की गलतफहमियाँ दूर करनी चाहिए। इस तरह के बाद में फिर हमारे को इनके साथ मिला ऐसे और भी कई जन हैं, तो जब हम इनकी जीवनी को देखा, इनके काम करने का तरीकों समझा, तो हमें लगा कि इस तरह की चीज़ें हमें दिखानी चाहिए ताकि यूथ को अपने आप को लिमिट में ना बांधे कि मेरे को सिर्फ कुछ काम करने हैं, सरकारी नौकरी करनी है, बीए करना है, दैट्स इट। 20% होंगे जो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, 80% लिमिट में रहते हैं। हम चाहते हैं लिमिट थोड़ा बड़ा कर दें। अब मीडिया की बात करें तो मीडिया के लिए भी बहुत लोग गलत बोल देते हैं, लेकिन मीडिया में कितने लोग गलत हैं? 5%, 9%, बाकी लोग तो अपने अच्छे से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप धूप में आते हैं, बरसात में जाते हैं, तरह तरह के कतरों से झेलते हैं। तो हर काम के अंदर में अच्छी और बुरी बातें हैं, हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ एक पक्ष दिखाना शायद हम सबके लिए शायद एक गलत पक्ष होगा। आपने बात करी ब्रिज कला, जो आपका इंस्टीट्यूट है, तकरीबन 2 या 3 साल से चल रहा है, तो अभी तक कितने जो युवाओं को जो है वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है उनके आपके बदौलत, और अभी तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जी देखिए, अभी एजुकेशन में तो हम लोग सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो जैसे आपने उन्होंने जिक्र किया कि मानसिकता है कि इस इंडस्ट्री को खराब माना जाता है, तो हम उसमें सफल नहीं। खराब कैसे माना जाता है? खराब तो है ही नहीं जी। अपने कंगना रनौत कहाँ पहुँच गई आज? देखिए कई बड़े अच्छे हैं, प्रीति जिंटा है और कई हीरोइंस हैं, ये तो लेडीज की बात करें, हीरो भी है, अनुपम खेर है, बड़े बड़े हैं, तो ये तो खराब तो है ही नहीं। मैंने भी जिक्र किया जैसे अभी उन्होंने पक्ष दिया कि इंडस्ट्री खराब माना जाता है, वो खराब क्यों माना जाता है? वो एक अलग रीजन हो जाता है, खराब मानते हैं इसमें लोगों को फ्यूचर नजर नहीं आता। हमने यहाँ पर बहुत कोशिश की कि हम उनको काम दें, वो चंडीगढ़ में कई बार काम कर रहे थे, लेकिन उनको लगता नहीं कि हिमाचल में कुछ हो सकता है। एक हमारी वेब सीरीज बनी है जिसमें हम चाहते हैं यहाँ का बने, तो पंजाब में जाके बनाई हमने प्लेटफॉर्म के लिए, अभी खत्म हुई है, उसकी एडिटिंग चल रही है, तो उसके सभी हमने वहाँ से लिए, जबकि हमें लेने थे हिमाचल के लोगों को। तो आप लोग हमें साथ मिला है रजत जी का, इस तरह के और हमारे डिफरेंट एजेंसी के साथ मिले हैं, तब हमें लगा कि हमें संभावना नजर आ रही है, नहीं तो हम वहाँ पर सफल नहीं हैं। तो साथ में इसका सबसे बड़ा रीज़न और भी है कि लोगों को अभी जो मुझे लगता है पर्सनली, जो हमने अभी एक्सपीरियंस भी किया है इतने सालों से, कि अभी पेरेंट्स को और बच्चों को भी हम कहेंगे तो फील्ड में मतलब इस इंडस्ट्री में एक्चुअल जॉब्स है क्या क्या उसकी डिटेल्स देने लगता है। अगर हम फिल्म की बात करें तो लोगों को लगता है कि पर्दे पर जाके एक्टिंग करना, लेकिन उससे बहुत और भी बहुत चीज़ें हैं, उसमें और भी बहुत सारे रोल्स हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो हमें नीड है कि लोगों को वो नॉलेज देना कि एक्चुअल इस इंडस्ट्री में जो रोल्स हैं वो है क्या क्या रोल्स है, थोड़ा इसके बारे में बता। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर हम ऑडिशंस की बात करते हैं, फिल्म की बात करते हैं, तो बहुत फॉर एग्जाम्पल मॉडलिंग की हम बात कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि मॉडलिंग है, फिल्म है, बस एक रोल प्ले करना है, हमने पर्दे पर जाना है। अगर हम किसी पेरेंट्स को कहते हैं कि आप फिल्म मेकिंग में अपने बच्चों को भेजो, तो उन्हें लगता है कि फिल्म मेकिंग में बच्चों को भेजना यानी कि एक्टिंग करेगा ना बच्चा, लेकिन नहीं। इससे पीछे हम देखें आजकल कितना टेक्निकल हो गया है, आप एनिमेशन देखो, एक बहुत सारी मूवीज ऐसी है जो कि एक सिर्फ नॉर्मल से हॉल में शूट होती है, उसके ऊपर एनिमेशन वर्क होता है, एडिटिंग वर्क होता है, प्रोडक्शन होता है। अगर हम स्पॉट बॉय की बात करें, उसमें लाइट होता है, साउंड इंजीनियरिंग का काम होता है, कैमरा पर्सन का काम होता है, डायरेक्शन का काम होता है, मतलब एक बहुत बड़ी टीम होती है। तो वो टीम हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों को उस रोल के बारे में पता नहीं चलेगा वो टीम क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी हम इसीलिए असफल हो पाए कि लोगों को अभी
और वैसे ही मॉडलिंग में हम बात करते हैं तो मॉडलिंग का मतलब हम मैं मॉडलिंग की बात करूंगी तो मॉडलिंग का मतलब लोगों को जो लगता है कि आप एक मतलब शॉर्ट ड्रेसेस में आप जाते हो और रैंप वॉक करते हो, तो मॉडलिंग का मतलब वो नहीं है। मॉडल का मतलब है जैसा प्रोडक्ट वैसा मॉडल। एडवर्टाइजमेंट्स आप इतनी देखते हो, उसमें एक मदर है, एक ओल्ड एज है, वो भी तो मॉडल ही है। तो ये सारी नॉलेज अभी हमें पेरेंट्स को स्पेशली देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि बच्चों को उस तरीके से गाइड कर सकें। जो वेब सीरीज की स्टोरी रहेगी वो काल्पनिक है या किसी के ऊपर लिखी है? नहीं, काल्पनिक, जो सच हम लोग देख पा रहे हैं मैनेजमेंट का काम करने के तरीकों का, उसी पर लिखा जा रहा है। और हम भी जो पेश करेंगे वो पूरी इंडस्ट्री को तो हम लोग प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस माना दिखा सकते हैं कि काम करने के तरीके सेम वैसे ही जैसे किसी और प्रोफेशन के होते हैं। इससे पहले भी कोई आपकी वेब सीरीज आई है? कितनी आई हैं और कहाँ कहाँ से? जी, एक तो हमारी मूवी बनी थी माइनिंग में, माइनिंग के नाम से, जिसमें पंजाबी कलाकारों ने काम किया था। एक वेब सीरीज जो अभी बन रही है कान, इसमें कुछ सिंगर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो अभी जल्दी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। इसमें कमर करेवाल है और सचिन अजीत जी है जो सिंगर्स हैं, और ये चौपाल प्लेटफॉर्म पे आने वाली है जो पंजाब का प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म। अभी मुद्दे पे आते हैं सर, जो ऑडिशन होने वाले हैं कब से होने वाले हैं शुरू और कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? जी, अभी जो शुरुआत की जो 3 या 4 में रखी हैं ऑडिशन, उनके बारे में तो हम आपको जानकारी दे सकते हैं। एक तो अभी परसों है 26 को, एक होगी 5 लाख के आसपास की, और एक धर्मशाला में करने जा रहे हैं, 2 तो 16 में जो धर्मशाला में करने जा रहे हैं इसका डेट आज शाम को अनाउंस कर देंगे, लेकिन होगी 5 तारीख से पहले धर्मशाला में। शिमला के लिए हमारे को जो गेटी प्लेटफॉर्म है थिएटर है उसकी अभी डेट्स का फाइनलाइज नहीं होगा, सितंबर के बाद सारा बिजी था, तो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक चर्च है ना, वहाँ पे चर्च है, वहाँ पे भी एक ऑडिशन के लिए प्लेटफॉर्म है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेट का जैसे हमारी संभावना बनी है, क्योंकि ये हमें भी इसको जल्दी शुरू करना है तो उसमें हम लोग डिले नहीं कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन ऑनलाइन ऑडिशन का भी प्रावधान होगा। सोलन में लोकेशन क्या रहेगी और टाइम क्या रहेगा? दो लोकेशन है, एक तो रुद्राक्ष जहाँ पे रुद्रम जिसमें अभी हम यहाँ पर हैं, इसको चंबागढ़ बोलते हैं, और एक न्यू बस स्टैंड के पास में है ब्रिज कला के नाम से, तो के पास में एक वहाँ पर होगा। ये जो ऑडिशन लेने के लिए कोई स्पेशल टीम आ रही है कुछ, कौन कौन रहेंगे इसमें? जी, एक तो शायद सोलन में इनका काफ़ी नाम है अपनी इंडस्ट्री को लेकर, परफॉर्मेंस इंडस्ट्री को लेकर, तो एक तो ये सब रहेंगे। हम अपने इंडस्ट्री में फैशन और फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम लोग बहुत बड़े जानकार हैं। कुछ कलाकार आ सकते हैं दिल्ली से, क्योंकि यहाँ के जो कलाकारों में शायद अभी नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि ऐसे जबानी तौर पे हमारे पास, जैसे भारद्वाज जी, किसी भारद्वाज जी सिंगर हैं यहाँ के, बहुत नामी सिंगर हैं जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी इसमें नाम था, तो वो उनका नाम भी लग सकता है, लेकिन अभी हम बताना नहीं चाहते थे। दिल्ली से भी शायद 2 शख्स आएंगे जो एक फिल्म इंडस्ट्री से होंगे, और एक वहाँ पे NSDA है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक वहाँ पे मैनेजमेंट से। कितने लोगों की सिलेक्शन करनी है आपने, कितनी टीम चाहिए आपको? अगर हम एक संभावित देखें तो 5 या 6 वेब सीरीज के अगर हम जाते हैं तो 100 से 150 लोगों की एक टीम होनी चाहिए। किसी फिल्म में 25 लोग काम करेंगे, किसी में 20 करेंगे, किसी में 50 कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि इस फिल्म में जो काम इनके प्रोफेशन पर मतलब जो डांस परफॉर्मर की इंडस्ट्री के बारे में काम हो रहा है उसमें लगभग 100 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। शेयर नहीं किया।